हमें याद है कि वो भी एक दिन थे जब किसी बड़े अस्पताल में जाना हो तो कितने दिनों तक इंतजार करना पड़ता था। एम्स में लोग आते थे, दो दो तीन तीन दिन बिताते थे तब जाकर के कब उनको जांचा परखा जाएगा उसका तय होता था। आज उन सारी व्यवस्थाओं को हम बदल पाए हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, ऑनलाइन डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिलती है, तय समय पर पेशेंट आए तो उसका काम शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, उसके सारे मेडिकल रिकॉर्ड भी उसको ऑनलाइन उपलब्ध होते हैं। और हम इसको आरोग्य के क्षेत्र में देशव्यापी एक कल्चर के रूप में विकसित करना चाहते हैं। आज सरकार के बड़े बड़े 40 से अधिक अस्पतालों में इस व्यवस्था को किया है, लेकिन इसका मूल मंत्र शासन संवेदनशील होना चाहिए। भाइयों बहनों, शासन उत्तरदायी होना चाहिए। अगर शासन उत्तरदायी नहीं होता है तो जन सामान्य की समस्याएं ऐसे की ऐसी लटकी रहती है। बदलाव कैसे आता है? टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन एक समय था रेल टिकट, हिंदुस्तान के सामान्य मानवी को रेल टिकट का संबंध आता है, रेल से संबंध आता है, गरीबों का संबंध आता है। पहले आधुनिक टेक्नोलॉजी से एक मिनट में सिर्फ 2000 टिकट निकल पाती थी, और वो भी जो उस जमाने में जिनने देखा होगा वो चक्कर घूमता रहता था, पता नहीं कब वेबसाइट खुले। आज मुझे संतोष के साथ कहना है कि आज एक मिनट में 15,000 रेल टिकट मिलना संभव हो गया है। एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सामान्य मानवीय की आवश्यकता और अपेक्षाओं के लिए किस प्रकार के कदम उठाती हैं, सरकार में जवाबदेही होनी चाहिए।